तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गाइस, जैसे मैं उठा था ना, तो इतनी बुरी नींद आ रही थी कि मैं दोबारा सो गया, और दोबारा जब उठा तो 7 बज चुके थे। पूरा लग रहा था कि कंसिस्टेंसी का ज्ञान देते हुए मैं खुद ही कंसिस्टेंसी तोड़ रहा हूँ खुद की, बट क्या करूँ गाइज, मैं भी इंसान हूँ, होता है मेरे साथ भी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि रात में मम्मी की तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बिकॉज़ वो उनको फीवर आ रहा है, तो इसलिए मुझे रात में जगना पड़ा और उसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाया। तो सुबह भी चाय इसलिए मैंने नहीं बनाई है इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत डाउन है, तो मम्मी चाय नहीं बना सकती थी और पापा को जाना था ऑफिस, तो मैंने फिर चाय बनाई, ब्रश वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया और फटाफट से नहाने गया क्योंकि हमें स्टडी भी स्टार्ट करनी थी, टाइम काफ़ी हो गया था, वैसे ही हम ऑलरेडी लेट हो गए थे काफ़ी। तो मैं जल्दी से जाके नहा के आया और कपड़े चेंज किए, आज मैंने शर्ट डाली है बिकॉज़ बहुत दिन टाइम हो गया मैंने टी शर्ट पहनते हुए। सो उसके बाद मैंने किया अपने बिस्तर को साफ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। बिस्तर को साफ करने के बाद मैंने करी अपनी टेबल की सफाई, टेबल पे बहुत सारी पतंग रखी हुई थी, ये छोटा भाई लेके आया बिकॉज़ कल 15 अगस्त है तो वो उड़ाएगा, साथ में मैं भी उड़ाऊँगा 5 बजे के बाद, तो वो भी मैं व्लॉग शूट करूंगा, बट वो व्लॉग ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूंगा आज, बिकॉज मैं 15 अगस्त को नहीं पढ़ूंगा। तो गाइस, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है? ये चाय। तो गाइज, अब कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और साथ में क्यूब और टेबल रिवाइज जैसा कि हमने डिसाइड किया था। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टडी। टाइम हो गया 8:30। लेट है काफी, पर कोई नहीं, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं, आज का टारगेट कम रखेंगे नहीं तो। गाइज, करते हैं अपनी स्टडी की स्टार्टिंग टू डू लिस्ट से। टू डू लिस्ट में आज मेरे कॉमन टारगेट है वोकैबुलरी में, वो 30-30, एंड ग्रामर में मैंने कंडीशनल सेंटेंस के लिए रखा है, और मैथ में परसेंटेज चैप्टर जो मैं वॉरियर बुक से करूंगा, CPO वॉरियर जो आदित्य रंजन सर की बुक है, एक रीजन का सेक्शनल मॉक, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्योमेट्री की क्लास। सो गाइज, अब स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स से, क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट में इंक्लूड है तो मैंने बताया नहीं उसके लिए, सॉरी। तो गाइज, मेरा शॉर्ट नोट्स में चल रहा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में मेरे 4 से 5 टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी, DSP SP, राष्ट्रपति, विधानसभा और विधानमंडल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो ये सब कंप्लीट कर लिया मैंने। तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए पूरी नोट्स जो है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैंने उठाई मैथ में, आज मैं करने वाला हूँ परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस, कि मैं करूँगा CPO वॉरियर बुक से, जो कि होगी आदित्य रंजन सर की, जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने टेलीग्राम पर डाली है, और वो ऑलमोस्ट फ्री है पूरी बुक की PDF, आप वहां से डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो गाइस, CPO के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि CGL वाले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा में क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होते हैं, तो बेधड़क होके प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइस, क्या हुआ कि 3 घंटे लग गए मुझे मैथ करने में, और मैं 40 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, इसमें 72 क्वेश्चन है, तो 32 क्वेश्चन कल करेंगे, और 12:30 हो गए हैं तो भूख भी लगने लगी, तो पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही मैं खाना डालने के लिए बाहर जाता हूँ, तो देखता हूँ कि बारिश हो रही है बाहर और मौसम एकदम ठंडा हो गया है, तो मैंने थोड़ा बारिश को एंजॉय किया, उसके बाद मैं खाना डालने के लिए जैसे गया था तो पता चला आज खाना बना ही नहीं है, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा है कि उस तक खाना बनता है तब तक हम वोकैब कर लेते हैं अपनी। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा था, तो जो इसमें वॉइस रिकॉर्ड हुई थी वो बहुत ज़्यादा नॉइस के साथ हुई थी, तो मैंने म्यूट कर दी और वॉइस ओवर कर दिया इसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या कराया कि जो जब तक खाना बनेगा अब मैं वोकैब कर लेता हूँ अपनी। वोकैब में मैंने जो 30-30 का सेट लगाया था वो EDM और वर्ड का लगाया, बन गया है। खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद अपनी जो वोकैबुलरी है इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें से idioms एंड वन वर्ड तो मैंने कंप्लीट कर लिए, और सिनोनिम एंटोनिम्स रह गए हैं 30, वो इसके बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं। तो गाइज, ऑलमोस्ट 1:30 तो मुझे भूख भी लगने लगी थी बहुत ज्यादा, तो पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद अपनी जो वोकैब है उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो मेरा ध्यान था ना वो पेट के अंदर घुसा हुआ था, और जो मैं पढ़ रहा था ना वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा है कि उससे पहले अपना लंच है उसको फिनिश कर लेते हैं। सो गाइस, खाना तो हो गया है मेरा, अब जो सिनोनिम एंटोनिम बचे हैं 30, उनको 15-20 मिनट में जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट खाएंगे। चलिए गाइस, अब कर लेते हैं अपनी वो कैब को कंटिन्यू, और वो कैब में जो मेरा टारगेट बचा था वो था 30 सिनोनिम एंटोनिम, वो जल्दी ख़त्म हो गया। एक तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बट पढ़ना भी ज़रूरी है, तो क्या करते हैं अब क्लास ले लेते हैं सर की। हाँ, एक तो आदित्य रंजन सर की CI की, और एडवांस मैथ में
ऑल राउंडर की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था और नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर बाहर टहल के थोड़ा नींद को भगा लेते हैं, उसके बाद जो है ज्योमेट्री की क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है थर्ड क्लास, उसको कंटिन्यू करेंगे। सजेशन देता हूँ गाइज आपको, अगर ज्योमेट्री करनी है ना तो पवन राव से कीजिएगा, जो सर ने पढ़ाया ना हेड्स ऑफ क्या है ना कि मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है बहुत, तो क्या करते हैं थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं या 10-15 मिनट का गैप लेते हैं, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नींद आ रही थी तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मॉक दे लेते हैं, मॉक से नींद भाग जाएगी, क्योंकि ध्यान हमारा जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा मॉक पे और जो नींद वाला मोड है ना वो चला जाएगा। तो गाइस ये रहा मेरा स्कोर 41.5, ठीक है। 42 मैंने ये अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 95 मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, एक गलत है मेरा जितने भी अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से ये कौन सा गलत है, ये इसमें जिम ट्रैक वाला स्लो जिसम गलत है, ठीक है। तो 3 मैंने स्किप कर दिए थे, एक ये सिमिलर सेट और एक ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कैसा था, बस ये आपस में इंटरचेंज करने थे जो कि मेरे उस टाइम पर समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई नहीं, होती है गलती, करेंगे इंप्रूव इसको भी। तो गाइस दिन दिन का मॉक देने के बाद मैं काफ़ी फ्रेश फ्रेश सा थोड़ा फील कर रहा था, बिकॉज जो थोड़ा पढ़ने का मन था ना वो जो बेकार से हो रहा था वो ठीक हो गया था। तो मैंने क्या सोचा, फिर मैं जो कंडीशनल सेंटेंस का जो मैंने ग्रामर में टारगेट रखा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो मैंने किया बाहर बैठ के, क्योंकि अंदर हो गई थी उमस, लाइट बिल्कुल जो है भागी पड़ी है। और जो इस बार इस वीक में हमारे यहाँ पे ना लाइट कट आउट है बहुत ज़्यादा, इस बार आई नहीं है लाइट, बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है, पढ़ने भी नहीं दे रही है। उसके बाद मैं अंदर आ गया तो देखा कि जो मेरे नेल थे वो काफ़ी बड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से उनको कट किया। ये भी मुझे तब पता चला जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं हाथ रखता हूँ ऐसे माथे पर और ऐसे करके ऐसे उंगली फेरता हूँ ना, तो ये हाथ से कट लग गया यहाँ पे हल्का सा, तो उसमें चीज़ लग गई, तो मैंने सोचा इसको फटाफट से इनको काटते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, कंप्यूटर की क्लास लेनी थी सर की, तो हेडफोन गिर गया, वो टूट गया, तो उसको फिक्स किया एलपी से। उसके बाद कर लेता हूँ मैं अपनी कंपाउंडर्स की क्लास स्टार्ट, जो कि थी आदित्य रंजन सर की, जो है रिकॉर्डेड बैच, जो सर आप सब पूछ रहे थे बार बार कि कौन से बैच से पढ़े, तो ये रिकॉर्डेड बैच 700 इसकी कॉस्टिंग है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, अब तो इसके प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो कंपाउंडर की क्लास खत्म करने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेट फील कर रहा था, क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं था पढ़ने का, मैं तब भी पढ़ लिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ आप शुरू तो करो, हो अपने आप जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू थैंक यू।